हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, आज हमारा क्वेश्चन है स्ट्रेस पाथ इक्वेशन फॉर ट्राई एक्सियल टेस्ट अपॉन एप्लीकेशन ऑफ डेविएट्रिक स्ट्रेस इज क्यू इक्वल टू 10√3 प्लस 0.5 पी। द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ कोहिजन सी इन किलो पास्कल एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई आर। साथियों, हमारा आपको पहले देखना पड़ेगा हमारा स्ट्रेस पाथ इक्वेशन क्या होता है। तो आप साथियों जानते होंगे, ये हमारा एक ग्राफ होता है जिसको हम प्लॉट करते हैं क्यों और पी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे साथियों इस एक्सिस पर हमारा क्यों होता है, इस पर हमारा पी होता है, और यहाँ पे जो एंगल बनता है साथियों वो हमारा होता है फाइव। तो साथियों यहाँ पे इसका इक्वेशन दिया गया है क्यों इक्वल टू 10√3 प्लस 0.5 पी। और साथियों जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, आप इसको समझ सकते हैं, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है वो हमारा होता है क्यों इक्वल टू सी कॉस फाइव प्लस पी साइन फाइव। अब साथियों सी क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो मान लीजिए ग्राफ है, ये हमारा कोहिजन है, ये हमारा सी होता है। तो आइए साथियों इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम क्या करेंगे। इसको इक्वेशन वन मान लेंगे और इसको इक्वेशन टू मान लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। साथियों दोनों कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे पी साइन फाइव और पी 0.5 पी, तो पी से पी कैंसिल आउट। आप समझ सकते हैं साइन फाइव इक्वल टू हमारा आएगा 0.5। राइट डाउन करेंगे साइन फाइव इक्वल टू 0.5, और जब हम यहां से फाइव की वैल्यू निकालेंगे साथियों, तो निकल के आएगा फाइव इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5, और हमारा फाइव की वैल्यू आ जाएगी साथियों यहाँ से 30 डिग्री। अब साथियों यहाँ से हमको फाइव की वैल्यू पता चल गई, जो हमारी एंगल निकल के आया 30 डिग्री। अब यहाँ से पूछा गया था ना, तो हमारा आ गया 30 डिग्री, लेकिन अभी पूछा गया हमारा सी कितना होगा किलो पास्कल में। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब फिर कंपेयर करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं सी कॉस फाइव इक्वल टू आएगा हमारा 10√3 इस दोनों इक्वेशन से। यहाँ पर लिख सकते हैं हम सी कॉस फाइव इक्वल टू 10√3। अब साथ यहाँ लिख सकते हैं हम सी इक्वल टू 10√3 डिवाइडेड बाई कॉस, और साथ ही यहाँ अभी हमने फाइव की वैल्यू निकाला जो है 30 डिग्री, हम यहाँ पुटअप करेंगे 30, हमारे सी की वैल्यू साथियों यहाँ पे आती है 20, और साथ ही आएगा हमारा किलो पास्कल में। साथियों इस प्रकार से हमने यहाँ पे कोहिजन सी की वैल्यू निकाला और फाई इंटरनल एंगल फ्रिक्शन हमने फाई की वैल्यू 30 डिग्री निकाला, और ये हमारा आया 20 किलो पास्कल। तो इस प्रकार से हमारे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।